बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग अ पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें यह है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन में उसको रिसॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटीग्रल बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर वन में केस वन है, जिसमें हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। ये देखें, इसके डिनोमिनेटर 2x² - 7x + 6 को हमने फैक्टर्स में रिजॉल्व किया है। फैक्टर में रिजॉल्व करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन a ओवर x - 2 + b ओवर 2x - 3। ए और बी अननोन्स हैं, अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अननोन की वैल्यूज हमारे पास जब फाइंड आउट हो जाएंगी, फाइंड आउट करने के बाद यही जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगी। ये है 10 के बाद जो है -x + 6 / x - 2 × 2x - 3 dx है। उसके बाद आप दोनों पे सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, और x - 2 अगर डिनोमिनेटर में है तो इसका x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 2 का 0 होता है, तो 4 तो वैसे कांस्टेंट है, उसको आप सेपरेट करें और बाकी पे इंटीग्रल अप्लाई करें। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो इसको मौजूद है तो सिंपल सा ही इसका इंटीग्रल होगा, लॉग लेंगे उसका और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये इस तरह से लेंगे, बाकी सारा इसमें यही करना है कि डिफरेंट क्वेश्चन में जो जो पार्शियल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के सारे मेथड है वो ही यूज़ करेंगे। जिस तरह से अगर आप देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x³ - 9x² + 12x / 2x² - 7x + 6 है, इस तरह की फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको पहले प्रॉपर में चेंज करने, डिवाइड करने के बाद प्रॉपर में चेंज करने के बाद फिर भी हमारे पास जो -x + 6 / 2x² - 7x + 6 है, तो ये हमारे पास इसमें को हम नहीं सॉल्व कर सकते सिंपल किसी भी मेथड से। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर क्या करेंगे हम, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस वाली टर्म को जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें। बाकी तो जो टर्म है एक्स है, -1 है, इसका तो सिंपल ही इंटीग्रल लिया जा सकता है। एक्स का क्या होगा, x² / 2 है, और पावर में 1 ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड करेंगे, और -1 dx है, तो 1 का क्या होगा, -x होगा, 1 का x होता है, तो माइनस साइन साथ में है उसके। इसी तरह से नेक्स्ट में भी यही कुछ करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है सिंपल से, उसके अननोन्स की वैल्यूज में फाइंड आउट हो जाती हैं। जब अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर आपके सिंपल उसका इंटीग्रल लॉग की फॉर्म में आ जाता है। आप नेक्स्ट में देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंटीग्रल 2 ओवर x² - a² है। एक्स माइनस ए और एक्स प्लस सी इसके फैक्टर्स बनेंगे। अननोन की वैल्यू ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ए और बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 है, 1 ओवर x - a - 1 ओवर x + a है, तो लॉग की फॉर्म में आंसर है। फिर ये लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए उसने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब नेक्स्ट है, इसी का केस नंबर 2 है, इसमें एक फैक्टर रिपीटेड है और एक लीनियर है। तो उसी तरह से जैसे रिपीटेड फैक्टर्स को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, सारा पार्शियल फ्रैक्शन में उसने रिजॉल्व किया हुआ है। रिजॉल्व करने के बाद उसके अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सिंपल देखेंगे कि आप फर्दर जो हमारे पास उसके फैक्टर्स आ चुके हैं उसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो मोस्टली लॉग की फॉर्म में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई टेन इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, e^(x² + 1/(x - 1)² है, e^(x) को उसने एज इट इज़ लिया पार्शियल फ्रैक्शन में, बाकी जो फंक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। अब देखिए, e^(x) को बाद में फिर हम हर फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट में e^(dx) आ जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल ही होगी। नेक्स्ट में आ जाएगा e^(x) / 1 होगा, तो x + 1 का डेरिवेटिव ऊपर है, तो वो हम उसको उस तरह से सॉल्व किया हुआ है इसने, e^(x) - 1 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व किया, और नेक्स्ट वाला भी जो फैक्टर्स है ई रेज टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर उसको भी इसी तरह से रिजॉल्व किया हुआ है। अब एंड में जाके आप देखेंगे कि एक आध टर्म्स सिम जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी इसमें, और ये इसमें कैंसिल हो भी रही है, माइनस टू एक्स ई रेज टू एक्स प्लस वन है और माइनस बल्कि ये माइनस टू एक्स ई रेज टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन ये बल्कि ऐड हो रही है, कैंसिलेशन नहीं हो रही इसमें। ऐड होने के बाद ये अब ये नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है उसके साथ ये कैंसिलेट हो जाती है, तो लास्ट में आके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बन जाता है। तो ये सारे के सारे बाकी तो फर्दर तो सिंप्लीफिकेशन ही होती है। फर्स्ट में ये है कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस वन है तो इसको फैक्टर्स में अगर हम चेंज करें एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो एक फैक्टर लीनियर रहा और दूसरा हमारे पास क्या है नॉन लीनियर है। उसी तरह से वही पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करेंगे, जो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड आप एल क्लासेस में सीख चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, आप लोगों ने इससे पहले भी क्लासेस में सीख चुके हैं, तो वो अप्लाई करने के बाद बाकी आगे जब फंक्शन बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और सिंपल सी इंटीग्रेशन होती है। अब लास्ट में देखें लॉग की फॉर्म में बिल्कुल लास्ट वाली टर्म ये देखें जिसको मैंने फोकस किया हुआ है इंटीग्रल वन ओवर एक्स प्लस वन होल बाई टू होल स्केयर प्लस स्क्वायर रूट थ्री बाई टू होल स्केयर है। तो ये फर्स्ट ये हमारे पास क्या है उसी तरह वेरिएबल स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वेयर, तो ये टेन इनवर्स इसकी इंटीग्रेशन होती है जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाली फॉर्म है। ए यहाँ पे स्क्वेयर रूट थ्री बाई टू है और एक्स हमारे पास एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वेयर है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है वन ओवर ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर रूट थ्री बाई टू है, वन ओवर ए लेंगे ए स्क्वेयर नहीं लेंगे। तो बाकी आगे उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, ये कैंसलेशन होगी टू से टू की और हमारे पास रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इज अ पॉजिटिव फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये बस इसने नोट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए टू एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर सिक्स एक्स एस टू सिक्स माइनस वन है, एक्स स्क्वेयर को अगर हम टी से रिप्लेस कर दें वैसे तो नहीं लग रहा कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करें, इसके फैक्टर्स कैसे बनाएं, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वेयर को टी से रिप्लेस कर देते हैं, टू एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो यही जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, वन ओवर टी क्यू माइनस वन इंटू डी टी आ जाएगा। फिर आप इसके फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर बनाने के बाद सॉल्व करें, एंड में आके री सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये जो जितनी भी आज की एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड हैं सारे के सारे मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन के, ये आप लोगों ने करनी है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं ये जो आप कल तो आपका लेक्चर अपलोड नहीं होगा नेक्स्ट डे में हो चुका, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपने करने की कोशिश करनी है, बल्कि इसके 20th क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।